नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। अब की दिवाली में चीन से होगा उत्तर प्रदेश की मूर्तियों का जोरदार मुकाबला। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गौरी गणेश की चीनी मूर्तियों को बाजार से बाहर करने की है तैयारी। ऑनलाइन और वास्तविक कार्यशाला में विशेषज्ञ निखारेंगे मिट्टी से मूर्ति बनाने वालों का हुनर। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। अब की दिवाली में उत्तर प्रदेश और चीन से जोरदार मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माटी कला बोर्ड ने गौरी गणेश की चाइनीज मूर्तियों को बाजार से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन और वास्तविक कार्यशाला आयोजित की जानी है। इनमें मूर्ति कला के नामी गिरामी मूर्तिकार और विशेषज्ञ माटी में जान डालने वालों को उनका हुनर निखारने के बारे में टिप्स देंगे। ऑनलाइन कार्यशाला इसी माह होनी है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन IICD जयपुर, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान MGIRI वर्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी NIFT रायबरेली और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज ऑफ डिज़ाइन UPID के विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ गुणवत्ता में बेहतर और दाम में प्रतिस्पर्धी गौरी गणेश की मूर्ति को बनाने की जानकारी देंगे। हर मंडल में होगी ऑनलाइन कार्यशाला। ऑनलाइन कार्यशाला में या तो लगभग सभी मंडलों के महाप्रबंधक उद्योग के कार्यालय पर या किसी अन्य जगह होगी। हर जगह बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगेंगे। वहां माटी को जीवांत करने वाले कलाकार सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मौजूद रहेंगे। विशेषज्ञ अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार मूर्तियां बनाने की जानकारी के साथ उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान करेंगे। मसलन NIFT के एक्सपर्ट तैयार उत्पादों के बेहतर और सुरक्षित पैकिंग के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान के विवेक मशानी गैस के भ्रशियों को प्रोसेस और फायरिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट और मूर्ति कला में विशेषज्ञता रखने वाले KK श्रीवास्तव और अमरपाल अपने 2 दशक के अनुभवों को साझा करेंगे। सब कुछ सामान्य रहा तो गोरखपुर में जुटेंगे देश भर के विशेषज्ञ। प्रदेश स्तरीय वास्तविक कार्यशाला अगस्त में गोरखपुर में होगी। गोरखपुर के चयन के पीछे यहाँ के भटहट कस्बे के औरंगाबाद और आसपास के गांव के लोगों की मिट्टी के समान टेराकोटा बनाने में महारत हासिल होना है। इन गांव के करीब दर्जन भर से अधिक लोग अपने हुनर के लिए प्रदेश और देश स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। इनके हुनर के नाते ही टेराकोटा गोरखपुर के एक जिला एक उत्पाद ODOP में शामिल है। हाल ही में वहां के टेराकोटा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI भी प्राप्त हुआ। स्वाभाविक है कि यहां के लोगों और विशेषज्ञों की दक्षता से प्रदेश भर से वहां आने वाले लोगों का हुनर और निखरेगा। गुणवत्ता सुधरने से उनके उत्पाद की मांग सुधरेगी। हर जगह स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री का यह भी निर्देश है कि माटी कला बोर्ड के जरिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने इसी के अनुसार अपनी कार्य योजना भी तैयार की है। इसने प्रशिक्षण में लेकर रोजगार देने की योजना है। इस क्रम में इस विधा से जुड़े लोगों के उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनको 3 तरह के अल्पकालिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसमें 3 दिवसीय प्रशिक्षण के 75, 7 दिवसीय प्रशिक्षण के 10 और 15 दिवस प्रशिक्षण के 15 सत्र होंगे। इसके अलावा 2700 लाभार्थियों को बिजली चालित चौक भी बांटे जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में 10,500 लोगों को माटी कला बोर्ड के विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिलाने का भी विभाग का लक्ष्य है। प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि स्वदेशी को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री की मंशा है। दिवाली में लगभग हर परिवार पूजन के लिए गौरी गणेश की मूर्तियां खरीदता है। अधिकांश मूर्तियां चीन से आती हैं। चीन का एकाधिकार टूटे, हमारे यहाँ के माटी कला से जुड़े कलाकार भी गुणवत्ता में उसी तरह की या उससे बेहतर और दामों में प्रतिस्पर्धी मूर्तियां बना सकें। कार्यशाला का यही मकसद है।